गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.1 इन 8th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स गिवेन हैं, उनका स्क्वायर करने के बाद उस स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आता है वो फाइंड करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम 1, 2, 3 अप टू 10 तक का स्क्वायर करेंगे, उसमें यूनिट डिजिट क्या आती है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 जा 4, 3 का स्क्वायर करोगे 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 जा 16, 5 जा 25, 6 जा 36, 7 जा 49, 8 जा 64, 9 जा 81, 10 जा 100। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हो कि यूनिट डिजिट पे 1 है तो उसका स्क्वायर करने के बाद 1 आएगा यूनिट डिजिट, 2 है तो 4, 3 है तो 9, इस तरह से आप इसको देख सकते हो। अब इसी टेबल से हम कंपेयर करेंगे, आपके पास नंबर है 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या है 1, 1 का स्क्वायर करने के बाद क्या आता है 1, मीन्स यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 होगा। इसके बाद आता है 272, तो यूनिट डिजिट 2, तो देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आपका आएगा 4। सेम इसी तरह से यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 है तो स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पे आपका आएगा 9। यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 है, 26,387, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7, 7 का स्क्वायर करोगे 7 जब 49, तो 7 के स्क्वायर करने के बाद 49 आता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 9, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 9 आएगा। इसी तरह से 99,880 है, तो यूनिट डिजिट 0 है, मीन्स यहाँ 10 का हम देखेंगे, तो 10 का स्क्वायर करने के बाद 100, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आता है। अब 5, यहाँ 55,555, यूनिट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर आप करोगे तो 5 का स्क्वायर करने के बाद 25 आता है, तो इस तरह से यहाँ स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगी, तो उस नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर कीजिए आप, जो भी नंबर आता है उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। तो दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। तो क्या है क्वेश्चन, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कुछ नंबर्स गिवेन हैं, ये नंबर्स गिवेन हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रीजन आपको देना है। तो दोस्तों, इसको रीजन देने से पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन से डिजिट का स्क्वायर करने के बाद कौन से डिजिट आती है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने के बाद 1 आता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 से 10 तक का स्क्वायर किया गया है, यूनिट डिजिट क्या क्या आ रही है, 0, 1, 4, 5, 6 उसके बाद 9। तो यहाँ पे अगर आप देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो डिजिट्स हैं वो है 0, 1, 0 हैं यहाँ पे, इसके बाद 1 है, कहीं पे भी यूनिट डिजिट में आपको 2 नहीं दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा आपको, इसके बाद 4 है, 5 है यहाँ पे, 6 भी मिलेगा, 7 और 8 नहीं मिलेगा आपको, और इसके बाद 9 मिलेगा। मीन्स कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर किया जाए, तो स्क्वायर करोगे आप तो या तो यूनिट डिजिट 0 होगी, 1
फोर फाइव सिक्स या नाइन। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स नहीं होंगे जिसके यूनिट डिजिट में, अब आप समझो यहाँ पे कि यहाँ पे आपको ना तो टू दिख रहा है, ना तो थ्री है, ना तो सेवन है और एट। मीन्स अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर चेक करना है आपको तो यूनिट डिजिट टू थ्री सेवन एट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखो यूनिट डिजिट सेवन, तो सेवन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बिकॉज यूनिट डिजिट इज सेवन। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज यूनिट डिजिट इज सेवन। सेम इसी तरह से यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट थ्री, तो यूनिट डिजिट थ्री है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे भी राइट करोगे बिकॉज यूनिट डिजिट इज थ्री, यूनिट डिजिट क्या है, थ्री है। सेम इसी तरह से यूनिट डिजिट एट है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे राइट करोगे यूनिट डिजिट इक्वल टू एट। यहाँ पे